चलता है अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी। कुशल से जानते हैं, कुशल बताइए। देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर कल तो काफ़ी सारे स्टॉक्स रेडार पर आते हुए दिखे थे, पर उसमें सबसे ज़्यादा मुझे एबी कैपिटल ये स्टॉक पसंद आ रहा है। लगभग 3% तक की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, तो चार्ट मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड फिलो स्पेस का काउंटर है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से अच्छी तेज़ी बन सकती है। जैन फ्यूचर्स यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। 148-149 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग रही थी। 153 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 146 रुपये आपको इसमें स्टॉप लॉस भी लगाना है। कल के सत्र का चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी तेज़ी के साथ यहाँ पर एबी कैपिटल में आपको क्लोजिंग होती हुई दिख रही थी, तो एबी कैपिटल यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। चलिए मेरे तरफ से टेक्निकल स्टॉक है केएस इंटरनेशनल। इस काउंटर में खरीदारी करके चलेगा। 480 के लक्ष्य के लिए 463 के आसपास का स्टॉप रखना है। कल देखिए इस काउंटर में भी अच्छी खासी तेज़ी थी, करीब 2-2.5% के आसपास के गेंस देखने मिले थे। और वैसे भी ये काउंटर जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ऐसे बाजार में अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो बेसिकली आपको उन स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे, अच्छे मोमेंटम में थे, लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ पिछले 4 दिनों में भारी भरकम गिरावट आई है। एबी कैपिटल भी आई एम श्योर कुशल की टीम में जो है वो इसी कैटेगरी का स्टॉक है जिसके फंडामेंटल्स अच्छे थे, मोमेंटम अच्छा था, लेकिन मार्केट के साथ गिर गया। कल एक रिवर्सल देखने मिला है। ऐसा ही केएस इंटरनेशनल है जिसमें कल एक रिवर्सल देखने मिला है। आपको ये रिवर्सल जो है आज भी देखने मिल सकता है। आज भी तेज़ी जो है इस काउंटर में जारी रहेगी। इसके लिए 480 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। 463 के आसपास का आपको इस काउंटर में एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अगली कैटेगरी फंडामेंटल कैटेगरी। फंडामेंटली एक काउंटर जो ठीक ठाक लगता है वो है वाटेक वबाग। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 330 के लक्ष्य के लिए 310 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए फंडामेंटल तो ये काउंटर्स के अच्छे हैं और वैसे भी बजट आ रहा है और बजट के पहले आप देख रहे हैं कि ये जितने भी स्टॉक है जिनमें बजट में कुछ ना कुछ निकल के आता है उनमें तेज़ी देखने मिलती है। और वाटेक वबाग भी उसी कैटेगरी का स्टॉक है जहाँ पे आप देखते हैं कि नमामि गंगे, क्लीन गंगे के जो प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर काफ़ी कुछ निकल के आता है और उसके बाद इन काउंटर्स में तेज़ी होती है। साथ ही साथ एक खबर ये भी है कि नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने करीब 2700 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स जो है उनको अप्रूवल दिया है, तो जाहिर सी बात है इसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए भी आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 330 के लक्ष्य के लिए 310 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 2700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, हालांकि उसमें कितना वाटेक वबाग को मिलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो इन कंपनीज पर पड़ता है। इसके लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं आप इस स्टॉक में। 330 के लेवल के लिए 310 का स्टॉप लॉस रखेगा। अगर आपको फंडामेंटल ये काउंटर पसंद है तो अपने पोर्टफोलियो में भी आप इस काउंटर को रख सकते हैं। बिल्कुल, तो डेफिनेटली यहाँ पर नज़र रखनी है। जिस तरह से यहाँ पर एनएमसीजी की तरफ से लगभग 2700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिखे हैं। ओवरऑल जो ऑर्डर पास होता हुआ दिखा है वो वाटेक वबाग के लिए भी सेंटिमेंटली काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है मोंटे कार्लो फैशन। यहाँ पर आपको अगले 3 से 4 महीनों के लिए निवेशित रहना है। देख ही रहे हैं कि बिजली की किस तरह से खपत यहाँ पर रिकॉर्ड लेवल्स पर आती हुई दिख रही है। ऑब्वियसली सर्दी का मूड माहौल है और कहीं ना कहीं जो ये मौसम है वहाँ पर खासकर नॉर्थ इंडिया में आप देखिए 7 डिग्री तक टेम्परेचर जाते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए यहाँ पर इनके जो प्रोडक्ट्स की बिक्री है मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी रह सकती है और इसी का रिफ्लेक्शन आपको इनके Q4 अर्निंग्स पर भी आता हुआ दिख सकता है। तो एक अच्छा अर्निंग्स प्ले मुझे लग रहा है कि मोंटे कार्लो फैशंस में आप खरीदारी कर कर चल सकते हैं। 640 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 735 रुपये ये आपका टारगेट बनेगा अगले 3 से 4 महीनों के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पिक पर अब नज़र डाल लेते हैं। NTPC ये स्टॉक है निवेश के लिहाज से जहाँ पर आपको फोकस रखना है। अगले 1 साल के लिए 200 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली बेहतरीन सरकारी कंपनी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे चलकर काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। बेहतरीन डिविडेंड यील्ड भी कंपनी देती है एंड कहीं ना कहीं जिस तरह का अभी वॉलेटिलिटी जो है मार्केट्स में है आपको एक स्टेबल स्टॉक सरकारी स्टॉक NTPC यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। एक और खबर भी है इसके लिए जिसमें टेक्नीवांट के साथ इन्होंने करार कर लिया है। ये नॉन बाइंडिंग अभी तक का MOU है और इस करार के तहत संयुक्त रूप से व्यावसायिक स्तर पर ग्रीन मेथनॉल उत्पादन की संभावनाएँ यहाँ पर ये तलाश करते हुए नजर आ सकते हैं। खबर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट लार्जली थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पर इस चीज़ का इम्पैक्ट आता हुआ नजर आए, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप तो लंबी अवधि के लिए इसमें निवेशित करने की राय मैं दे रहा हूँ। तो अगले 12 महीनों में 200 रुपये के टारगेट्स NTPC दिखा सकता है। 52 वीक हाई लगभग 182-183 रुपये का आई थिंक इसका था। डेफिनेटली तो एक काफ़ी बेहतर आपको यहाँ पर तेज़ी NTPC में देखने मिल सकती है। और कुशल काफ़ी कम समय में देखता हूँ कि सरकारी करने में किसी को इतना कन्विक्शन है, लेकिन हाँ ठीक है मेरे से ज़्यादा कन्विक्शन आशीष का है। आई नो चलिए ठीक है एनटीपीसी वैसे एक सरकारी कंपनी है जो कि मेरे भी कन्विक्शन लिस्ट में है, पहले भी थी, और वो है आईआरसीटीसी। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। इसके पहले भी मैंने आपको कहा था जब ओएफएस आया था, ओएफएस खत्म हुआ था, कि अगर आपने तब नहीं लिया है तो अब ले लीजिएगा, और अब नहीं तब नहीं लिया था तो अभी भी लेने का अच्छा समय है इस काउंटर में। इनफैक्ट स्टैगर्ड वे में अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। 6 महीने में 800 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। वैल्यूएशन अच्छे हैं, कंपनी का कारोबार जो है मोनोपोली कारोबार है, आपको ये तो पता होगा, और बजट सामने खड़ा ही है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं रेलवे कंपनी जो है वो वैसे भी रडार पे रहने वाली है। और कुशल, कल मैं शायद सुन रहा था भसीन साहब के लिस्ट में भी था आईआरसीटीसी, आई थिंक सो उनके लिस्ट में भी था, तो कहीं ना कहीं इससे कन्विक्शन जो है और भी बढ़ जाता है। तो काफ़ी सारे रीजंस है आईआरसीटीसी को लेने के लिए, नो डाउट। फिलहाल इन लेवल्स पे तो आपको लग रहा होगा कि शायद और गिरावट हो, लेकिन इससे ज़्यादा गिरावट की यहाँ संभावनाएं नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी बेहतर है, खरीद के चलेगा, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है आईआरसीटीसी। अगला है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है डोडला डेयरी। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 520 के लेवल के लिए, 495 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल खबर यह है कि मदर डेयरी ने दूध के दाम जो है दिल्ली और एनसीआर में फिर से यहाँ पे बढ़ोतरी कर दी है। 2 रुपये प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी की गई है, और बढ़े हुए दाम जो है आज से लागू हो जाएंगे। दरअसल गाय की दूध की जो कीमतें हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। टोकन मिल्क की जो कीमतें हैं उसमें हाल फिलहाल में बढ़ोतरी नहीं हुई है, और 2022 में अगर आप देखेंगे तो मदर डेयरी की तरफ से ये 5वीं बार दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कुशल, पिछले 2-3 महीनों में ही शायद ये तीसरे बार है जब दाम बढ़ाए गए हैं, तो लगातार दूध के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है आपको तमाम दूध कंपनीज पर देखने मिलेगा, मिल्क प्रोडक्शन वाली कंपनीज पर देखने मिलेगा। उसके चलते डोडला डेयरी जो है इसमें खरीदारी कीजिएगा 520 के लेवल के लिए, 495 के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ये कंपनी काम नहीं करती है, लेकिन एक जगह दूध के दाम अगर बढ़ते हैं तो सब जगह बढ़ जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके लिए डोडला डेयरी यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट मैं यही सोच रहा था कि जिस तरह से यहाँ पर दूध के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इन्फ्लेशन का क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इसेंशियल कमोडिटीज़ है, एंड जिस तरह से यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखी, 11 महीनों के निचले स्तरों पर आई थिंक हमारा भी इन्फ्लेशन रेट पहुंचता हुआ नजर आया था, बट ऐसा दिख नहीं रहा है जिस तरह से यहाँ पर दूध के दाम बढ़ रहे हैं। अलग ही है, इनके अलग ही इश्यूज चलते रहते हैं, और जाहिर सी बात है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है अगर आपका वो बढ़ेगा तो आपको मिल्क के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, और वही ये कंपनियाँ कर रही है, जितनी कंपनीज हैं। और मुझे याद है कुशल, इसके पहले भी आपने डोडला डेयरी लिया था अपने टीम में जब ये दाम बढ़ाए गए थे, और ये तीसरे बार मुझे अब तक याद आ रहा है, क्योंकि जो आपके मिल्क के पैकेट्स रहते हैं या फिर दूध वाला जो दूध देके जाते हैं वो हर महीने यही बोलते हैं 2 रुपये बढ़ गए तो फिर अब आगे वो यही बोलने वाले कि 2 रुपये बढ़ गए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये याद रह जाता है। इसके लिए भी आपको डोडला डेयरी खरीदना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी जो है वहाँ पे नजर सकती है। 2 रुपये वहाँ बढ़ेंगे, यहाँ पे 2-3 रुपये बढ़ गए तो हो गया काम हो गया। चलिए ठीक है, चलिए तो डोडला डेयरी वरुण की तरफ से है, तर्क मेरे भी सिमिलर है। और एक और डेयरी प्रोडक्ट वाली जो कंपनी पराग मिल्क फूड्स, यहाँ पर आपको नजर रखना है, यहाँ पर खरीदारी कर कर चल सकते हैं। तो खबरों के दम पर सेम खबर है, पर इस पर डिफरेंट स्टॉक है। तो पराग मिल्क फूड्स मेरी तरफ से यहाँ पर आप खरीदारी कर कर चल सकते हैं। 106 रुपये की प्राइसिंग रही है, 108-109 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर कर चलिए। इस स्टॉक में 102 रुपये का आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। चलते हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी, और कुशल मेरे तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले हैटसन एग्रो, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 935 के लक्ष्य के लिए, 890 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस भी इस कंपनी में रखना है। खबर वही है कि दूध के दाम जो है दिल्ली एनसीआर में फिर से बढ़ गए हैं, 2 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते तमाम जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज है आज वो काफ़ी हद तक फोकस में रह सकती है। हैटसन एग्रो भी इसी कैटेगरी की एक कंपनी है, इसके लिए आपको यहाँ पे करनी है खरीदारी। अगला स्टॉक है ड्रेजिंग कॉप, यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी 355 के लेवल के लिए, 334 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने उस सीवेज के लिए करीब 2700 करोड़ के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूवल दिया है, तो अब ये अप्रूवल्स जो है वो भी कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी आ रहे हैं। हालांकि किसी को नहीं पता कि किसको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन जो प्रबल दावेदार है उसमें एक तो मैंने आपको बताया वाटेक वबाग, दूसरा जो इम्पैक्ट देखने मिलता है वो है ड्रेजिंग कॉप। यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा 355 के लेवल के लिए, 334 के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक आज है माई चॉइस की कैटेगरी में एनएमडीसी, खरीदारी करके चलेगा 120 के लेवल के लिए, 114 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। मेटल और माइनिंग कंपनीज में कल भी तेज़ी थी, मुझे लगता है कि मेटल और माइनिंग कंपनीज जो है उसमें आज भी आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। चाइना जिस तरह से रीओपन हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो है आपको तमाम मेटल्स और माइनिंग क्षेत्र की कंपनियाँ जो है उनमें देखने मिलेगा। इनफैक्ट ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो आयरन ओर की जो कीमतें हैं उसमें 0.5% के आसपास की बढ़ोतरी भी देखने मिली थी। कल भी करीब 3-4% के आसपास जो है एनएमडीसी के काउंटर में तेज़ी हुई थी। आज भी मुझे लगता है कि एक फॉलोअप बाइंग जो है आपको तमाम मेटल्स और माइनिंग काउंटर्स में देखने मिल सकता है, जिसमें से एक एनएमडीसी है, क्योंकि यहाँ पे आयरन के दाम बढ़े हैं और अगर चाइना रीओपन होता है तो उस पर सबसे पहला इम्पैक्ट जो है माइनिंग स्टॉक्स पे पड़ने वाला है, जो कि है एनएमडीसी, कोल इंडिया, ये जो तमाम स्टॉक्स है उनको अपने रडार पे रखेगा। और एनएमडीसी इस कैटेगरी में मुझे पसंद आ रहा है, इसके लिए स्टॉक में मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 120 के लेवल के लिए 114 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। बिल्कुल वरुण, आपने तो टीजर दे दिया मेरी आगे आने वाली माई चॉइस की पिक्स का, क्योंकि जो आगे आने वाले 3 स्टॉक्स मेरी लिस्ट में है ना, वो सारे के सारे चाइना प्ले पे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर क्वारंटाइन रूल्स रद्द कर दिए हैं, वो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और आपने को पहले ही 2-3 दिन पहले भी इनकी तरफ से ये बयान आते हुए दिखे रहे थे कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी कोविड के नियम थोड़े से ये रिलैक्स करते हुए दिख रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो इकोनॉमी ओपन अप हो रही है काफ़ी, इनफैक्ट 3 महीनों के लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर इस तरह की खबर आती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली चाइना के लिहाज से तो वो पॉजिटिव है ये, बट ग्लोबल कंजम्पशन के हिसाब से, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मेटल का कितना बड़ा कंज्यूमर और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी, तो अगर वो चीज़ होती है तो डेफिनेटली ग्लोबल मेटल मार्केट्स के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से इनफैक्ट 2-3 चीज़ पॉजिटिव हो रही है। एक तो ये चाइना का हो गया, दूसरा डॉलर इंडेक्स जो है वो अब कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुका है, उस तरह का मूवमेंट हमें देखने नहीं मिलता कि 112 113 के आसपास डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है, तो उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं आपको बेस मेटल्स और बाकी सब जगह देखने मिलेगा, ऐसा भी नहीं हो रहा है। Correct. तो कहीं ना हो सकता है कि शायद आने वाले दिनों में हमारे टीम में जितने भी मेटल काउंटर्स है वो शायद आपको फंडामेंटल या इन्वेस्टमेंट पिक में देखने मिले, जिस तरह से माहौल सुधर रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चाइना ओपन अप हो रहा है तो जाहिर सी बात है मेटल पूरा स्पेस जो है वहाँ पे नजर रखेगा। चलिए, तो सारा का सारा मेटल काउंटर्स तो हम नहीं दे सकते माइचर्स कैटेगरी में, बट डेफिनेटली जो हाई बीटा काउंटर्स है जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है, तो एनएमडीसी वरुण ने आपको बताया ही है। पर मेरी तरफ से माइचर्स कैटेगरी में 2 और स्टॉक्स है, जिसमें जीएसपीएल सबसे पहला है, इसके जैन फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की राय है। 550 रुपये के टारगेट्स आप बनाकर चलिए, आज के सत्र में 527 रुपये का आप स्टॉप लॉस भी लगाकर चल सकते हैं। एंड ओवरऑल जिस तरह का इसका नेचर है कि जब भी मेटल स्पेस में तेजी आती है तो उसमें जीएसपीएल, इनफैक्ट आईटी काउंटर्स के मैं अगर कोरिलेशन लगाऊं तो उसमें कोफर्ज है, और यहाँ पर जिस तरह के मूड माहौल है मुझे लग रहा है कि जीएसपीएल में भी अच्छी तेजी बन सकती है। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, बट चाइना की तरफ से जो खबर आ रही है वो डेफिनेटली चीन के लिए पॉजिटिव है और साथ ही ओवरऑल ग्लोबल मेटल स्पेस के लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। तो 550 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। इसके साथ साथ हिंडाल्को यहाँ पर भी खरीदिए, जैन फ्यूचर्स यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बन सकती है। तर्क सिमिलर ही है, पर टारगेट जो रखने हैं वो थोड़े से चेंज हैं। यहाँ पर 460 रुपये के लक्ष्य, 445-46 रुपये की क्लोजिंग रही है। 460 के टारगेट के लिए हिंडाल्को में आपको खरीदारी करनी है। 6 रुपये नीचे केवल 440 का स्टॉप लॉस लगाकर हिंडाल्को में आप परचेज कर सकते हैं। और अंत में है टाटा मोटर्स, काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट चंक जेएलआर की प्रॉफिटेबिलिटी का चाइना भी होता है, और जिस तरह से यहाँ पर रूल्स रिलैक्स होते हुए दिख रहे हैं, ऑटोमोटिव स्पेस भी मुझे लग रहा है कि मेटल काउंटर्स के साथ साथ चलते हुए नजर आएंगे आज। और कल जो तेज़ी 1.5 से 2% तक की टाटा मोटर्स में बनती हुई दिखी थी, कल आपको याद भी होगा कि इनको एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था दिल्ली कॉरपोरेशन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर वो तो मिला है, और जो तेज़ी हुई है कल थोड़ी सी तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली थी, बट सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बड़ा ये चाइना की खबर पर आता हुआ दिख सकता है। तो टाटा मोटर्स खरीदिए, लगभग 400 रुपए के आसपास ये पहुंच सकता है, 397 टू बी प्रिसाइज। 383 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप टाटा मोटर्स में भी खरीदारी करते चल सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया क्या खरीदना है क्या बेचना है। अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो तो फटाफट एक बार देख लेते हैं रिकैप। कैश में खरीदारी करना है, सेलान एक्सप्लोरेशन में कच्चे तेल में जो उछाल आया है उसका असर आपको देखने मिल सकता है। फ्यूचर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग में खरीदारी कीजिएगा, कल की तेज़ी के बाद आज एक फॉलोअप बाइंग आपको इस काउंटर में देखने मिल सकती है। ऑप्शंस में डीएलएफ का 370 का पुट ऑप्शन खरीदना है। नोएडा अथॉरिटी से जो इनको 235 करोड़ का नोटिस मिला है उसका असर देखने मिलेगा, 6 रुपये के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। टेक्निकली केएस इंटरनेशनल अच्छा लगता है, फंडामेंटली वाटेक वाबाग में आपको खरीदारी करना है। खबर आई है कि नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने 2700 करोड़ के प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, इसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने मिल सकता है। निवेश करना है आईआरसीटीसी में 6 महीने में 800 के लक्ष्य के लिए। खबरें डोडला डेयरी में है, माई चॉइस में हैटसन एग्रो, ड्रेजिंग कॉप और एनएमडीसी में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है डोडला डेयरी, 520 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 495 का स्टॉप लॉस रखना है। मदर डेयरी ने फिर से दाम बढ़ा दिए हैं, 2 रुपये प्रति लीटर के आसपास के दाम बढ़े हैं, उसका असर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज या फिर दूध के कारोबार में जो कंपनियां हैं उन पे देखने मिल सकती है, और उसमें डोडला डेयरी ये मेरा आज का पिक है, 520 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए कैश सेगमेंट में टाइम टेक्नोप्लास्ट यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। सीएनजी कैस्केट्स ऑर्डर से संबंधित जो अपडेट आता हुआ दिखा है वो पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही टीसीएस कल के दिन में भी अच्छा ट्रैक्शन था, आज आईटी स्पेस से यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। ऑप्शंस कैटेगरी में टाटा पावर यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, दिसंबर में बिजली की जो खपत है वो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुँचती हुई दिख रही है। टेक्नो पिक के आधार पर एबी कैपिटल यहाँ पर पसंद है मुझे, चार्ट्स पर भी कल 3-3.5% तक की तेजी बनी थी। मॉन्टे कार्लो फैशन अगले 3 से 4 महीनों के लिए 735 रुपये के टारगेट दिखा सकते हैं। निवेश के लिहाज से एनटीपीसी में खरीदारी करके चलिए। खबरों के दम पर पराग मिल्क फूड्स पसंद आ रहा है। मदर डेयरी ने जो दूध के दाम बढ़ाए हैं उस वजह से यहाँ पर भी सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट रह सकता है। और माइचेस कैटेगरी में जीएसपीएल, हिंडाल्को और टाटा मोटर्स बड़ा चाइना प्ले आज मुझे लग रहा है कि मेटल्स और साथ ही ऑटो में आता हुआ दिख सकता है। और बेस्ट पिक है आज के लिए एनटीपीसी, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। अगले 1 साल में 200 रुपये के टारगेट इस सरकारी कंपनी में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन एक बार फटाफट शो को खत्म करने के पहले एशियन मार्केट्स देख लेते हैं, खासकर सिंगापुर निफ्टी। कुशल, जैसे कि हमने शो शुरू किया था तो 35-36 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी, उसके बाद आपने कहा ही था कि करीब 50 पॉइंट के आसपास की तेज़ी हो चुकी है। अब देखिए करीब 60 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। एशियन मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो हरियाली आपको देखने मिल रही है। जो भी खुले हैं, जो छुट्टी पर नहीं है, वो तो एटलीस्ट हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, ये अब जो खुले हैं वो भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो हर जगह हरियाली है, इतना तो पक्का है। अब ये हरियाली कितने टिकेगी, कल की तेज़ी के बाद हमारे मार्केट फिर से रिजॉइस करेंगे नहीं करेंगे, ये सब जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं, लोकल क्यूज़ कैसे हैं, डेटा क्या कहता है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ रोज जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं फिलहाल,